वेलकम बैक दोस्तों, सामने है KTM ड्यूक 250, थर्ड जनरेशन है। और अब मेरे ख्याल से इस कलर को देख के लोग जो है इसे है छपरी छपरी कहना जो है बंद कर देंगे, क्योंकि ये इबोनी ब्लैक कलर आप ड्यूक का देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा और कलर भी जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक का जो है एक फैन बेस अलग ही रहता है। और बाइक की अगर बात करें फिर बाइकों में तो ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगता है। तो KTM ड्यूक 250 आप ये ब्लैक इबोनी ब्लैक कलर देख रहे हैं। जानते जा रहा है इसके बारे में क्या क्या फीचर्स अब आपको इसमें देखने को मिलेंगे, कुछ चेंजेस हुए हैं, प्राइस क्या रहती है, नहीं सारा कुछ आपको पता लगेगा। तो अगर आप ड्यूक 250 लेना चाह रहे हैं तो आप जो है ये वीडियो जरूर देख के जाएं पूरी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करी जाए कीमत की ही बात कर दूँ स्टार्टिंग में, तो 2,45,000 के आसपास कुछ इसकी जो है शोरूम जो है रहती है। एग्जैक्ट ऑन रोड क्या है, अगर आपको जो है एज अ डाउन पेमेंट देगी ईएमआई पे लेनी है, वो सारा कुछ अगर जानना चाहते हैं आपको जो है नीचे नंबर दिए गए हैं, उत्तराखंड से हैं और उदयपुर से हैं, आप पता कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है यहाँ पर बाइक रहती है। सबसे पहले जो है यहाँ पर इस बाइक के डिज़ाइन की बात करूँ, कुछ नया अब जो है ड्यूक में डिज़ाइन लग रहा है आपको, तो इसमें रहती वही जो है कह सकते हैं नेकेड सेगमेंट की जो है यहाँ पर आपकी बाइक है, जो कि आपका यहाँ पर फ्रंट में टैंक हमेशा से ही थोड़ा सा बल्कि सा आपको जो यहाँ पर देखने को मिलता है, अब पूरा ब्लैक्ड आउट हो गया है। तो थोड़ा सा कैमरे में वैसे ही अलग से अलग जो यहाँ पर पार्ट्स हैं जो दिखते थे पहले और कलर में, वैसे आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन पूरी ब्लैक्ड है। ये टैंक पूरा मैट ब्लैक में दे रखा है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा जो है ग्लॉस ब्लैक में देखने को मिलेगा, और मेन जो ऑरेंज कलर रहता है वो थोड़ा तो देना बनता ही था, तो यहाँ पे 250 लिखा हुआ ऑरेंज कलर में आपको हल्का सा देखने को मिलेगा, ड्यूक वाइट कलर में यहाँ पे लिखा है। और जो फ्रेम है ट्रेलिस फ्रेम, ये पूरा ब्लैक्ड आउट दे दिया है। पीछे जो सीट है 800 mm की सीट हाइट के जो है साथ में आती है बाइक, तो यहाँ पर पिलियन के लिए थोड़ा ऊपर जो है सीट हाइट दे रखी है, राइडर के लिए कुछ ऐसी रहेगी। तो यहाँ पर लगभग 5 फीट का जो है अगर इसे राइडर चलाता है तो देख लीजिए कुछ इतने जो है पैर आते हैं जो कि आप देख रहे हैं। अब मेरी जो हाइट है वो रहती है 5-6 के आसपास, तो मैं जो चला रहा हूँ अभी जो है इसे राइड जो कर रहा हूँ अभी जो यहाँ पर इसमें जो है मेरे पैर जो आप देख रहे हैं कुछ इतने जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 5-6 वाले के जो कितने पैर आएंगे, 5 फीट वाले के यहाँ पे कितने पैर आते हैं। तो ये थी जो है यहाँ पे हाइट की बात। वेट की बात करूँ, वेट में बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्की भी नहीं है, लगभग 162 से 163 जो है यहाँ पे केजी का जो इसका वेट रहता है। तो वेटेड बहुत ज़्यादा आप इसे जो है यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। इसके बाद और बात करते हैं इसके, सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस 176 mm का है, ठीक ठाक है, ऑन एन एवरेज आपका जो है ग्राउंड क्लियरेंस इसमें सही देखने को मिल रहा है। तो अब जरा फ्रंट से देखेंगे, तो सबसे पहले फ्रंट इंडिकेटर बहुत पहले से ही आपका जो है यहाँ पे LED में रहते थे, हैजार्ड लाइट का जो है स्विच आपको इसमें देखने को मिलता ही था, और एग्रेसिव जो है थोड़ा लग रही है अब हेड जो फ्रंट में आपका जो है DRLs हैं, हेडलैम्प हैं, इसे एक अच्छा लुक दे रहे हैं, और यहाँ से ये जो पैनल है टैंक पे ये भी जो है एक अच्छा बल्कि सा जो है एक लुक दे रहे हैं। इसके बाद जरा यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इसके जो है फ्रंट में DRLs की, तो DRLs आप जैसे आप देखेंगे तो ऐसे LED में जलते हुए काफ़ी जो है आपको अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद लाइटें एक बार आपको दिखाऊं तो लाइटें LED में प्रॉपर कुछ ऐसी देखने को मिल जाती हैं, फ्रंट में थोड़ा सा थ्रो यहां पे जाता है तो ऐसा कुछ है लाइटों का पूरा जो है यहाँ पर फ्रंट का जो है यहाँ पर बीम, और पीछे टेल लैम्प का डिज़ाइन कुछ जो है अब ऐसा रहता है, थोड़ा टी शेप का यहाँ पर बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरी बाइक पीछे से जो है दिखने में आपको ऐसी लगती है। अब जैसी आप जो है यहाँ पर चलते हैं फ्रंट सेक्शन में, फ्रंट में आपको सबसे पहले यहाँ पर सस्पेंशनों की अगर मैं बात करता हूँ तो सस्पेंशन इसमें बहुत पहले से ही WP Apex के USD फोक्स मिला करते हैं, तो अब भी वही मिल रहे हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी रहती है, लेकिन टाइम टू टाइम बाई चांस जो है अगर लीक होता है तो थोड़ा मेंटेनेंस भी आपको अच्छा खासा इसमें जो है देखने को मिलेगा। फ्रंट में यहाँ से फिट एंड फिनिश, KTM की जब बाइक की बात आती है सस्पेंशनों की और जितने भी पार्ट्स हैं तो उनकी एक अलग ही जो है यहाँ पर KTM की ओर से जो है क्वालिटी आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, चाहे अगर आप मडगार्ड देखें फिट एंड फिनिश हर एक पैनल की, वो और बाइकों के कंपेरिजन में थोड़ी प्रीमियम यहाँ पर अच्छी लगती है। यहाँ से जैसे आप देखते हैं तो फ्रंट में आपको जो है डिस्क मिल जाती है जो कि यहाँ पे दे रखी है 320 mm की, फ्रंट में जो टायर है वो 110/70 R17 का यहाँ पे दिया गया है, और ABS के साथ में सुपर मोटो ABS इसमें दे दिया जा रहा है, तो डुअल चैनल ABS आपको आगे पीछे प्रॉपर देखने को मिलेगा, और डिस्क भी बहुत मोटी नहीं करी है,
जिससे कि जो उसके आपके रिम्स हैं ये भी बहुत अलग से बल्कि से डिज़ाइन नहीं कर रखे हैं, जिससे कि वेट जो रेशियो है पावर टू वेट रेशियो इस इंजन के साथ में, क्योंकि बहुत भारी नहीं चले जाती है बाइक, तो इसका फ़ायदा इसे मिल जाता है। तो थोड़ा पिकअप भी आपको इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा इस इंजन के अकॉर्डिंग। इंजन की बात करता हूँ तो इंजन जो है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड आपका LC4C आपका FI इंजन है, BS6 फेज 2 वाला। रेडिएटर है तो लिक्विड कूलिंग आपको इसमें मिल जाती है, और साथ ही साथ जो है पावर क्या है इसकी 31 PS की पावर 9250 RPM पे मिल जा रही है, और 25 Nm का टॉर्क 7250 RPM पे जो यहाँ पर मिल जा रहा है। टोटल 6 गियर रहेंगे, स्लीपर क्लच के साथ में आएगी, और जो क्विक शिफ्टर आपको जो है इसमें मिलेगा। और जो फ्रेम है वो कुछ ऐसा रहता है ट्रेलिस फ्रेम, और पीछे बनाना शेप में जो है स्विंग आप यहाँ पर जो है देख रखा है, जो कि कंपनी कहती है जो इसमें बनाना शेप का है। और ऑफसेट टाइप का जो है आपको इसमें कुछ ऐसा मोनोसॉक सस्पेंशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा इस तरफ सेंटर में नहीं रहता, थोड़ा ऑफसेट इस तरफ आपको जो है यहाँ पर दे दिया जा रहा है। और बाकी यहाँ से ये रहता है इसका जो है ब्रेकिंग का, और ये इंजन पूरा कूलेंट यहाँ पे जो इसमें फिलअप होता है, और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी लगभग जो है 15 लीटर के आसपास इसमें देखने को मिल जाती है। और सीट ऐसी कुछ रहती है थोड़ा मैट में राइडर के लिए, जैसा नीचे बताया था पिलियन के लिए थोड़ा सा ऊपर सीटिंग इसकी रहेगी। बाकी जैसी आप पीछे देखते हैं मडगार्ड यहाँ पर है, और पीछे जो है आपको डिस्क 240 mm की दे दी जाती है। डिस्क में आपका जो है ABS भी है। पीछे जो टायर है वो आपका 150/60R17 जो है इंच का देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है पीछे आप देखते हैं तो पीछे की टेल लैम्प का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, नॉर्मल ग्रैब हैंडल आपको हॉर्न शेप में आपकी सींग के जो है शेप में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अग्रेसिव से लगते हैं। तो ऐसा है, बाकी टेल टेडी आपको जो है कुछ ऐसी देखने को मिलती काफ़ी चौड़ी सी, जो कि अच्छी खासी लगती है। और पीछे मिट्टी जो है स्प्लिट होके जो है इसके ऊपर ज़्यादा जो है पीछे उछल के जो है यहाँ पे नहीं आती है, तो ऐसा कुछ रहता है। अब बात करते हैं जरा इसके मीटर कंसोल की। सबसे पहले मिरर देखिए, मिरर जो है कुछ ऐसे देखने को मिलने जो कि अच्छे लग रहे हैं, और स्टडी और कह सकते हैं फिट एंड फिनिश अच्छी लग रही है। बिल्ड क्वालिटी भी जो है इनकी अच्छी देखने को मिल जा रही है। बाकी चाबी आपको दिखाऊं तो चाबी कुछ ऐसी रहती है, जो कि सिंपल सी आपको जो है चाबी देखने को मिलेगी। इसके बाद इसको ऑन करते हैं, जैसी आप जो यहाँ पर ऑन करते हैं तो इसमें जो स्विचेस हैं उसमें भी आपको लाइट प्रॉपर देखने को मिल जाती है। ये हैजार्ड का लेता है, ये जो है आपका पास का स्विच है, इसके बाद ये इंडिकेटर का, ये हॉर्न का है, और ये जो है ये सारे जो है इस 5 इंच की जो है TFT डिस्प्ले के जो है कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये इसका जो है इंजन किल स्विच, और बड़ा ही शानदार सा जो है ये स्विचेस मेरे को यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि अब थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, जो कि अच्छे लग रहे हैं, स्लिम ट्रिम से लग रहे हैं। एक बार स्टार्ट करता हूँ बाइक को तो यहाँ पे जो है ऐसी जो है कुछ बिना रेस देखे जो है साउंड अभी आप सुनते हैं तो आपको सुनने को मिलेगी कुछ जो है ऐसी, क्योंकि जो यहाँ पर साइलेंसर है वो जो है अंडरबेली एग्जॉस्ट दे दिया है, पहले से ही आता था तो यहाँ पर साइलेंसर बाहर को निकला हुआ नहीं मिलता है आपको। तो ऐसी रहती है जो है यहाँ पर थोड़ा रेव करके जो है यहाँ पर इंजन की जो है साउंड ड्यूक 250 की। अब बात करते हैं जो इसके इस डिस्प्ले की, 5 इंच की लगभग जो डिस्प्ले है TFT काफी कलरफुल लग रही है। जो लाइटें आती हैं ABS की, इंजन की, और जो है ऑयल की, ये सारी इसके जो है सराउंडिंग में देखने को मिलेगी। RPM जो यहाँ पर रहता है, और न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड गियर, ये सारा कुछ इसमें बताएगा, और स्ट्रीट इसके सारे मोड मिल जाते हैं। राइड मोड आपकी जो स्पीड यहाँ दिखाएगा, ट्रिप ए ट्रिप भी, और स्पीड का, बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके बाद आपको इसमें कुछ चेंज वेंज करना हो वो आप जो है यहाँ से कर लेंगे, तो यहाँ से फ्यूल रिजर्व, ये कई जो है इसके फंक्शन रहते हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल, इसमें जो है आप जैसे आप जो है प्रेस करते हैं तो राइड मोड आ जाता है। राइड मोड में आपको जो है अलग अलग मोड आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्रैक, स्ट्रीट, और इसके बाद जैसे आप जो है यहाँ पर ABS में जाते हैं तो ABS में भी आपको जो है दो मोड मिलेंगे, रोड, सुपर मोटो। तो उस हिसाब से जो है आप रोड पे करना चाहें या सुपर मोटो पे ये कर सकते हैं। जैसे आप पीछे जाते हैं उसके बाद बाइक इन्फो में आ जाएगा, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी का हो गया, ओडोमीटर, सर्विस, ये सारा कुछ आपका जो इसमें दिखा देगा, वार्निंग लाइट जो भी आएगी। इसके बाद जैसे आप जो है ट्रिप इन्फो में जाएंगे, इस पर आप जो है लगा सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप भी, और यहाँ ऐसी कुछ सारी चीज़ें रहती हैं। सेटिंग पे जैसे ही आप जाते हैं, फेवरिटीज़ में जाके आप जो है क्विक सिलेक्टर आप अपनी तरीके से यहाँ पे जो है कर सकते हैं, क्या क्या आया कनेक्टिविटी का, और क्विक शिफ्टर,
आप जो है ऑन ऑफ करना चाहें ये सारा कुछ जो है कर पाएंगे। स्विफ्ट लाइट, ये अगर कुछ चेंज करना चाहें वो आप जो है कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है इसके यहाँ पर रहते हैं। नेविगेशन आपका मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स जो है इसमें आपको दे दिए जा रहे हैं। तो ये स्क्रीन काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, अपडेट कर रखा है, काफ़ी अच्छा जो है अपडेट यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिला। और बाकी ऐसा कुछ था। और चार्जिंग के लिए आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से टाइप सी पोर्ट दे दिया है। तो आजकल टाइप सी पोर्ट ज़्यादातर आपको जो है आईफोन 15 में भी मिल चुका है, तो ज़्यादातर यही पोर्ट आपको मिलेंगे। तो चार्जिंग के लिए ये पोर्ट भी इसमें आपको मिल जा रहा है। तो ये थी KTM की ड्यूक 250 इबोनी ब्लैक कलर। तो लगभग अगर आप चाहते हैं लगभग जो है ये 3 लाख के आसपास प्राइस ब्रैकेट में बाइक लेना, तो एक ड्यूक KTM का नाम अच्छा खासा रहता है। तो ड्यूक पसंद है लेकिन वो ऑरेंज कलर में नहीं, इस ब्लैक कलर में लेना चाहते हैं तो आप जो है ले सकते हैं। वारंटी की मैं बात करता हूँ तो लगभग 5 साल 40 से 45 हज़ार किलोमीटर के आसपास जो है यहाँ पर वारंटी रहती है, जो भी पहले किलोमीटर पूरे हो जाएँ या फिर जो है साल पूरे हो जाएँ, तो ऐसी कुछ रहती है। नेकेड सेगमेंट की जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, जो चाहते हैं थोड़ा अच्छी खासी, चाहते हैं ना आजकल लॉन्डे मोंडे अच्छी खासी जो है यहाँ पे बाइक जो स्पीड अच्छी खासी रहे उसमें थोड़ा लुक भी अच्छा रहे, तो उस सेगमेंट में ये बाइक आती है। तो कैसा लगा ये कलर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं और ऐसी नई वीडियो के साथ में।